प्रश्न है, क्या भगवान के सभी नाम समान हैं या भगवान के नामों की अंतरंगता के आधार पे कोई ग्रेडेशन है? तो भगवान का कौन सा नाम कितना अंतरंग है या जप करने वाले की भावना पर निर्भर करता है। तो भगवान एक सामान्य नाम है, जैसे मिस्टर प्रेसिडेंट, और एक व्यक्तित्व, एक व्यक्ति जैसे मिस्टर जॉन। तो प्रेसिडेंट के पोस्ट पे कभी मिस्टर जॉन रहते हैं, कभी मिस्टर ट्रंप रहते हैं, कभी मिस्टर लेनिन रहते हैं, कभी क्लिंटन होते हैं। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। भगवान के पोस्ट पे एक ही व्यक्तित्व नित्य काल के लिए विराजमान होते हैं, लेकिन भगवान भी कई नामों से जाने जाते हैं। जैसे मिस्टर प्रेसिडेंट, ये क्या फॉर्मल नेम, लेकिन मिस्टर जॉन इनफॉर्मल। और उसी व्यक्ति का घर में उसके मित्र और उससे जो भी अंतरंग रूप से जुड़े हुए हैं वो कई नामों से, निक नेम से पुकारते हैं। तो उसी प्रकार भगवान का एक मुख्य नाम है और भगवान के और कई नाम होते हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में कहते हैं, नाम नाम आकार बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता नियमित न स्मरणे न काल। भगवान के कई नाम हैं और भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्तियां इन नामों में अर्पित कर दी है। किन नामों में अर्पित कर दी है? भगवान के दो प्रकार के नाम हैं, एक है मुख्य नाम और दूसरा है गौण नाम। मुख्य नाम यानी प्राइमरी नेम्स या प्रिंसिपल नेम्स। प्रिंसिपल नेम उन नामों को कहा जाता है जिन नामों से भगवान की लीला प्रकाशित होती है, जैसे हरि, केशव, गोविंद, राम, राधा गोविंद, राधा रमण, ऐसे अनेकों नाम हो सकते हैं, असंख्य नाम हो सकते हैं। तो जब महाप्रभु कहते हैं कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं, भगवान ने अपनी समस्त शक्तियां नाम में अर्पित की हैं, यानी भगवान ने ऐसे मुख्य नामों में अपनी सभी शक्तियों को अर्पित की है। तो मुख्य नाम जप करने का फल है कृष्ण प्रेम, और व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद भगवान के धाम को लौट जाता है। लेकिन मुख्य नाम से अलग एक है गौण नाम या सेकेंडरी नेम्स, और यह नाम भगवान का इस भौतिक प्रकृति के साथ क्या संबंध है उन्हें निरूपित करता है, जैसे पालनकर्ता, संहारकर्ता, परमात्मा, ब्रह्म, अन्य अन्य। तो इन नामों का जप करने का फल पुण्य अर्जित करना है, और इन नामों को जपने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, और इन नामों में भगवान की आंशिक शक्ति ही स्थित होती है। इसीलिए भक्तों को यह सलाह दी जाती है कि वे भगवान के मुख्य नामों का जप करें, गोपाल, गोविंद, राम, श्री मधुसूदन, और अन्य अन्य कई नाम है। तो जिस प्रकार संसार में फॉर्मल नेम्स, फर्स्ट नेम और निक नेम होते हैं, वैसे ही भगवान सामान्य नाम है और फर्स्ट नेम है श्री कृष्णा, और श्री कृष्ण के अनेक अनेक निक नेम हैं। अलग अलग भक्त अपनी अपनी भावना के अनुसार कृष्ण को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई सखा भाव में पुकारता है, कोई प्रेमी भाव में पुकारता है, कोई अपना शिशु मानकर वात्सल्य भाव में पुकारता है। तो हाँ, भगवान के नामों में के जो अंतरंगता है वो भक्तों के मनोभाव पर भिन्न भिन्न होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।